अस्सलाम वालेकुम, मैं मेट्रोपॉलिटन असेंबली के हाल के सामने खड़ा हूँ। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि मौजूदा असेंबली 28 जनवरी से अपनी मुदत पूरी कर रही है। इस असेंबली से आवाम की जो तवक्कात वाबस्ता थी, क्या ये असेंबली उन तवक्कात पे पूरा उतरी है? इस बारे में आवाम की राय जानने की कोशिश करते हैं। इसके हवाले से मैं कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पर हम लोगों ने जो 4 साल से किया, माशाल्लाह कुछ अच्छे भी हुए काम, कुछ ऐसे काम है कि हुए नहीं है। और जो हमारे निज़ाम है वो हमारा निज़ाम शुरू से सही नहीं था, क्योंकि हम ये आते जाते अपना टाइम नहीं, हमारे कोई स्कीम है कि आज तक हम लोग फंसे हुए हैं, बल्कि अभी तक भी हम लोगों का एक दो काम हुआ है, ख़ास काम नहीं हुआ है। तो नया अभी मौजूदा गवर्नमेंट है, ये तो अभी तक 6 महीने से कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, बल्कि पहले तो हमारे काम सही ठीक ठाक जा रहे थे। अब से जब ये 6 महीने में जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इसमें बिल्कुल काम टफ है। मौजू पे आपने मुझसे सवाल किया है, बुनियादी तौर पे जो बल्दियाती इदारे हैं वो इंसानी जो हमारे माशरे के बुनियादी जो इसके मसाइल इन्हीं से वाबस्ता होते हैं, और शहरी मसाइल होते हैं, ज़ाहिर हर फर्द जो है इस इदारों के करीब आ सकते हैं और पहुँच सकते हैं। MNA MPA सीनेटर तो कानून साजी करते हैं, जो आवाम के मसाइल होते हैं इन्हीं इदारों से मुंसलिक है। ये जो क्वेटा शहर के अंदर जब हम देख रहे हैं कि जो 4 साल कबल जो इदारे वजूद में आए थे, मेरे अंदाज़ा और मेरा ख्याल ये कि इन्होंने अपने अहमियत के मुताबिक कोई काम तो इस शहर के अंदर नहीं किया। शहर वही का वही शहर है, वही गंदगी है, वही पॉपुलेशन है, वही रश है, वही सब कुछ है। तो मेरा अंदाज़ा ये है कि जो जिस हवाले से आवाम ने जिन लोगों पे एतमाद किया था, जिन लोगों ने वोट दिया था, मैं इस पर एतमाद किया था, उसके मुताबिक वो उतरे नहीं है। क्योंकि आपको पता है इस वक्त क्वेटा शहर के अंदर गैस का मसला है, पानी का मसला है, रोडों के सड़कों का मसला है, रश का मसला है, तजावजात का मसला है। और क्वेटा जो है पहले एक छोटा सा लंदन हुआ करता था शहर इसके लिहाज से, सफाई के लिहाज से, लेकिन आज जब हम देख रहे हैं क्वेटा जो है दिन दिन अपने पीछे की तरफ जा रहे हैं। कोई इस तरह वसाइल जो है खर्च हो रहे हैं, लेकिन आवाम को महसूस नहीं हो रहा है कि हमारे वसाइल कहाँ खर्च हो रहा है और आवाम इससे जो है मुस्तफीद नहीं हो रहा है। मेरा अंदाज़ा ये है कि आवाम को सोचना चाहिए आइंदा के लिए जो इलेक्शन होगा, इसके लिए सोच समझ करके जज्बात से हट करके उन लोगों को वोट देना चाहिए, उन लोगों को मुंतखब करना चाहिए जो इनके मसाइल को अपने मसाइल समझे और इनको हल करने के लिए अपने जद्दोजहद जारी रखे। फ़र्क उस वक्त पड़ेगा जब दयानतदार क़यादत आएगा, जो मसाइल को इदराक करता हो, जो आवाम के मसाइल से बाखबर हो, जो इस शहर के गम को अपना गम समझता हो, इस खुशी को अपना खुशी समझता हो। क्वेटा हम सब का मुश्तरका घर है, इस घर को आबाद रखने के लिए, इस घर को खुशहाल रखने के लिए मैं कहता हूँ अमानत, दयानत और आला खुदा तरसी की ज़रूरत है। इसी बुनियाद पर अगर हम वोट इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा शहर तरक्की करेगा, और अगर अभी आदसाती तौर पर हम वोट इस्तेमाल करेंगे तो हमारे शहर पर कोई तरक्की और तब्दीली नज़र नहीं आएगी। मैं खुद एक्स डिस्ट्रिक्ट मेम्बर, नायब नाजिम और काउंसलर रह चुका हूँ। बदतरीन 4 साल दौर जो क्वेटा या मेट्रोपॉलिटन का गुजरा है, मेरे ख्याल से इससे पहले बिल्कुल इस तरह नहीं हुआ है। इससे पहले फिर भी कुछ न कुछ नज़र आता था और कुछ न कुछ काम होता था। जब 87 में मैं खुद काउंसलर आया, उस ज़माने में 60,000 रुपये टोटल हमारा कोई फंड था, 60,000 रुपये। अब तो मेरे ख्याल से करोड़ों में फंडिंग भी है, करोड़ों में सफाई के मद में भी है, करोड़ों में इवन यहाँ तक कि वो जो उस दौर में जो कुत्ता मार मुहिम एक होता था, वो भी इन बदबख्तों ने इस दौर में नहीं किए। गर्मियों का जो मौसम होता था, मलेरिया का जो स्प्रे वगैरह, वो जो दवायात आते थे उस दौर में आते थे, वाकई में जो एक स्प्रे होता था वो इलाका ही साफ़ होता था। उस इलाके में मच्छर भी नहीं होते थे, उस इलाके में मक्खियाँ भी नहीं होते थे, उस इलाके में और मामलात भी नहीं होते थे। और जिस तरह भी ये आवारा कुत्ते हमारे पूरे शहर के अंदर फिर रहे हैं, और ये एक ईमानदाराना बात है, इस तरह नहीं था, ये बदतरीन दौर गुजरा है। बेहतरीन इस तरह आ सकता है, आपके अगर नुमाइंदे बेहतर लोग होंगे और अच्छे लोग होंगे तो उसमें बेहतरी आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा। जब आपके नुमाइंदे ही अच्छे नहीं होंगे, उनको किसी का समझ बूझ ही नहीं होगा। फ़र्ज़ करो मैं एज ए मेट्रोपोलिटन मेयर, मुझे अपना ही होश नहीं है, तो मैं क्या बेहतरी लाऊंगा? इत्मीनान तो नहीं है, 5 साल गुजरे कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। ज़्यादातर स्ट्रीट लाइट लगे हुए कहीं लग गए, कोई तो छोटे मोटे कम हुए हैं, बाकी जितने फंड्स रिलीज हुए हैं या फंड लोग ले रहे हैं उसके मुताबिक तो कम 5% हुआ है। ज़्यादा हमारे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 5% ज़्यादा कम ज़्यादा हुआ ही नहीं। पता नहीं पैसे कहाँ जा रहे हैं, देखिए दावे तो बड़े किए जा रहे हैं कि दर्शी निज़ाम के ये फवाद है, ये है, वो है। ठीक है, दरअसल फवाद तो हैं इसके, लेकिन फवाद जो है
वो बुरका नहीं लाए जा रहे हैं। निज़ाम ने अभी तक जो हमारी उम्मीदें वाबस्ता थी, जो हमने जहन बना लिया था कि इस निज़ाम से निचले तबके को फ़ायदा होगा, लोगों की बात सुनी जाएगी, लेकिन हमने देखा कि चार साल दौर में तकरीबन हवाई फायरिंग की गई, दावे बहुत किए गए, लेकिन इसके हम क्वेटा शहर को देखें तो क्वेटा शहर की हालत में कोई ख़ास तब्दीली नहीं है। आटे में नमक के बराबर कुछ तब्दीली आई, वो भी शहर के अंदर, लेकिन बाहर के हम इलाकों को देखें तो इस बलदियाती निज़ाम के समरात बाहर के इलाके तक बिल्कुल ही नहीं पहुँचे। इस वजह से आवाम पहले तो ऊपर के निज़ाम से थोड़ी बहुत मायूस थी, अब आहिस्ता आहिस्ता आवाम का दिल जो है ना बलदियाती निज़ाम से टूट रहा है। तो मैं ये करता हूँ कि इस पहले सबसे पहले तो मैं नैब से ये गुजारिश करता हूँ कि ये चार साल दौर में जितने भी फंड्स आए क्वेटा शहर के लिए, दूसरे इलाकों के लिए, वो उसकी भरपूर तरीके से और तहकीकात करें ताकि पता चल जाए कि सफाई के नाम पर कितना सफाया किया गया है। अगर इस तरह से कुछ हो जाए तो फिर भी आवाम के दिलों को थोड़ी बहुत आसूदगी की मिलेगी कि उनके पैसा वापस आ गया, जिन लोगों ने वो पैसे पर अपना जताया था आवाम के पैसे पर या शहर के पैसे पर, तो उनके गिरेबान तक हाथ पहुँचने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अब जो नया जो इसके अलावा हुकूमत मौजूदा हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो नया बलदियाती निज़ाम मुतारफ़ करेगा, तो मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वो हुकूमत है जिसने शुरू से पहले अब तक जितने भी बातें की उन्होंने खुद यूटर्न लिया है। तो हम इस तरह किस तरह उम्मीद रखेंगे इस हुकूमत से कि आया वो भी इस आकर ऐसे लोग यहाँ पर बलदियाती निज़ाम में ऐसे लोगों को वो किया जाएगा, उनको लाया जाएगा जो बाकरदार हो। दो चीज़ें होनी चाहिए लाजमी, एक आप ईमानदार हो, दूसरा आप में टैलेंट हो, तब जाकर आप जो है ना मुल्क की या किसी सूबे की या किसी शहर की हालत को बदल सकते हैं। नहीं तो इस तरह ये निज़ाम चलता रहा खाली खुली तो ये हमें इमारतें खड़ी हुई नज़र आएंगी, लेकिन आवाम की उम्मीदों को वो पहले जो जंग लगा था हो सकता है कि आवाम की उम्मीदें मज़ीद इससे टूट जाए। लिहाजा मैं यही चाहता हूँ, गुजारिश करता हूँ सबसे कि इस दफ़ा पूरे सोचे समझे मनसूबे के तहत इस निज़ाम की बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ ऐसे इकदाम किए जाए कि कम से कम आवाम का उम्मीद इस बलदियाती निज़ाम के सिस्टम से तो कम से कम आवाम की उम्मीदें बरकरार रहे, ताकि जो उनके छोटे छोटे काम हैं वो मुकम्मल हो जाए और आवाम सुख का सांस ले सके। शुक्रिया जी। नाज़रीन, रवा साल मई में नए बलदियाती इंतखाबात मुतवक्के है। मौजूदा हुकूमत का दावा है कि वो बलदियाती निज़ाम में इस्लाहात ला रहे जो बलदियाती निज़ाम की बेहतरी में अहम किरदार अदा करेगा। कैमरामैन नासिर साहल के साथ अब्दुल करीम, बलूचिस्तान 24 न्यूज़, क्वेटा।